ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। और भिलाई चरोदा नगर निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर और उनके सहयोगियों पर अपहरण और मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप भाजपा और हिंदू संगठनों द्वारा लगाए गए हैं, जिसके चलते विरोध की लहर तेज हो गई है। भिलाई चरोदा नगर निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर और उनके सहयोगियों के खिलाफ भिलाई 3 थाने में अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। अमित लखमानी और पुष्पराज सिंह नामक शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि चंद्राकर और उनके साथियों ने उन्हें मारपीट कर जबरन गाड़ी में बिठाया और थाने ले जाकर दुर्व्यवहार किया। इस घटना से नाराज भाजपा और हिंदू संगठनों ने पुरानी भिलाई थाने का घेराव किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भिलाई 3 का मामला नहीं है, भूपेश बघेल से सीधा जुड़ा हुआ मामला है। भूपेश बघेल ने जिस तरीके से कृष्णा चंद्राकर को सामने रखकर उन्होंने अपहरण कराने का काम किया है, उन्होंने गुंडागर्दी करके थाने में बजरंगियों को मारने का काम किया है, आज सीधा मैं चुनौती देने आया हूं भूपेश बघेल जी को उनके निवास स्थान पे, उनके थाने में। हमेशा भिलाई 3 को अपना घर समझने की कोशिश की है उन्होंने, थाने को यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, और आज जिस प्रकार से बजरंगियों का अपहरण किया गया उसमें भूपेश बघेल जी की भी संलिप्तता है। और कृष्णा चंद्राकर उनके साथी और महापौर जो भिलाई 3 के हैं निर्मल को से, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होगा, सबकी गिरफ्तारी हो गई है, महापौर का बचा हुआ है, और इसमें पुलिस जांच करे, हम सीधा निर्देश देने आए पुलिस प्रशासन को, इसकी जांच करे। और भूपेश बघेल भी अपहरण में शामिल है जितना हमें जानकारी मिली है, अगर भूपेश बघेल इस जांच में पाए जाते हैं दोषी तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए। विष्णु के शासन में कार्रवाई हो पाएगा पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर? कार्रवाई हो चुका है, यही विष्णु देसाई जी के, भूपेश बघेल के ऊपर कार्रवाई होगा। आप देखेंगे महादेव सट्टा में जिस आरोपी ने लगाया कि मैंने 508 करोड़ रुपए दिए हैं, उस मामले पे भी सीबीआई जांच होगी। और पूर्व मुख्यमंत्री हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो, ये नरेंद्र मोदी जी की इस देश में सरकार है, ऐसे मुख्यमंत्री चाहे वो शिबू सोरेन की बात हो, चाहे वो आपके दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की बात हो, कोई भी देश में ऐसा अगर कोई गलत करने वाला कोई भी पद पे क्यों ना बैठा हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए भिलाई 3 में एक 2 दिन पूर्व जो एक मामला में FIR दर्ज किया गया था, उस FIR के तारतम्य में और उसके घटनाक्रम में विवेचना के दौरान 12 से 13 लड़कों का नाम उसमें शामिल किया गया था, जिसमें से एक लड़का था अमित लखमानी नामक, जो बाज़ार में कहीं जा रहा था, तो उस समय कांग्रेस के कुछ नेतागण जिसमें कांग्रेस के सभापति भिलाई नगर निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर और उसके कुछ साथी थे, वो उसको स्वयं ही लेकर के आते हैं और पुलिस के सामने ला कर के पेश करते हैं, और इस बीच में उनके द्वारा लाया जब जाता है तो फिर मारपीट की भी घटना उसमें कारित होती है। तो इन सब घटनाक्रम को देखते हुए जब ये मामला जो है BJP के प्रकाश में आता है तो उनके द्वारा इसमें FIR की मांग की जाती है, और इसमें FIR भी सुसंगत धाराओं के तहत FIR की गई है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।